हवाले से रिलायबल सोर्सेज से हमें खबर मिली कि राहुल गांधी जी और बीजेपी के बीच में समझौता हो चुका है, क्योंकि इतना मुश्किल क्या है नहीं तो क्लियर करना। ये एक ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस है, ये बीजेपी को, ये कांग्रेस को ये क्लियर करना चाहिए कि वो देश के संविधान के साथ खड़ी है या बीजेपी के साथ, फेडरलिज्म के साथ खड़ी है या दिल्ली की जनता के खिलाफ। इसमें इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। लेकिन अभी जो अभी का जो है वो 2024 को लेकर बात होनी है अभी के समय में। सबसे पहले तो संविधान बचाने की लड़ाई है, सबसे पहले तो देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और ये ऑर्डिनेंस बहुत क्लियरली संविधान के खिलाफ है, तो इस पर अपना स्टैंड उनको क्लियर करना चाहिए। अभी के एक दिन की बात है, आज वेट कर लेते हैं, कल तक सब क्लियर हो ही जाएगा, शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। बाकी लोग ये सब अपने आप में चेहरा देख रहे हैं। देखिए, चेहरे की कोई लड़ाई नहीं है, ये हम क्लियर भी कर चुके हैं। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई दिल्ली के लोगों के साथ जो धोखा किया है एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लाकर, उसकी लड़ाई है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, और ये तो एक बहुत क्लियर केस है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया गया है, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैम्पल करने के खिलाफ की लड़ाई है।